वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम बिजनेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न में फर्स्ट आप देखिए, टोटल 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर है आपका। सो मैक्सिमम मार्क्स आर 50। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड फिगर्स टू राइट इंडिकेट्स द फुल मार्क। मतलब सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। इसमें देखिए पैटर्न बहुत ही सिंपल है, फोर क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द पेयर्स है। देन सेकेंड क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स लिखना है यहाँ पे हमें, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू 10 मार्क्स के लिए सेकंड क्वेश्चन। देन क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री में ए बी ऑप्शन है। अगेन क्वेश्चन फोर में भी ए बी ऐसे ऑप्शन है। तो क्वेश्चन थ्री और फोर ये टोटल 15 मार्क्स के ही है। तो इस तरह से टोटल 50 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर है। और क्वेश्चन पेपर पैटर्न सिंपल है, फोर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहले अभी हम ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर्स डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लॉन्ग आंसर्स के आंसर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, द टर्म कम्युनिकेशन इज एन डैश ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। तो कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है उस पे ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही है, द टर्म कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन, डैश इज रिक्वायर्ड व्हेन सम डॉक्यूमेंट्स लाइक चेक, ड्राफ्ट, बिल्स, रिसीप्ट्स आर अटैच विद द लेटर। देखिए जब भी हम बिजनेस लेटर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो उस केस में हमें क्या यूज करना होता है, इनक्लोजर्स लिखने होते हैं। इनक्लोजर्स के बारे में मेंशन करना होता है कि ये जो लेटर है इसके साथ हमने क्या क्या अटैच किया है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इनक्लोजर्स इज रिक्वायर्ड व्हेन सम डॉक्यूमेंट्स लाइक चेक, ड्राफ्ट, बिल, रिसीप्ट्स आर अटैच विद द लेटर। इनक्लोजर होना चाहिए लेटर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ डिस्कशन बाय एंड अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज। तो जो ग्रुप में डिस्कशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द कैंडिडेट आंसरिंग द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू इज नोन एज। ओके, तो जो इंटरव्यू लेता है उसे हम इंटरव्यूअर कहते हैं और जो इंटरव्यू देता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, द कैंडिडेट आंसरिंग द क्वेश्चन। तो जो पर्सन क्वेश्चन के आंसर करता है यानी जो पर्सन इंटरव्यू देता है उसे हम इंटरव्यूवी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉइज इज इंक्लूडेड इन डैश बैरियर्स। सी, इन बिजनेस कम्युनिकेशन और इन कम्युनिकेशन पे प्रोसेस देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बैरियर्स। तो इसमें से फिजिकल लैंग्वेज एंड कल्चर ये बैरियर्स है, और नॉइज ये बेसिकली किस बैरियर्स में आता है। तो देखिए नॉइज ये फिजिकल बैरियर्स के केस में अराइज होता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नॉइज इज इंक्लूडेड इन फिजिकल बैरियर्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द वर्ड डैश रेफर्स टू बायोग्राफिकल डिटेल्स। ओके, तो जो भी बायोग्राफिकल डिटेल्स है उसे हम बायोडेटा कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये सिक्स क्वेश्चंस थे फिलिंग द ब्लैंक्स में, इसमें से कोई भी पांच आपको अटेम्प्ट करने थे, बट आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इन केस अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया तो भी आपको एक एडवांटेज रहे, इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देन अभी क्वेश्चन वन बी में मैच द फॉलोइंग है, ग्रुप ए ग्रुप बी। फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या लिखते हैं हम, ये बिजनेस लेटर या लेटर रिलेटेड ही है। तो जब भी हम लेटर क्लोज करते हैं तो यहाँ लास्टली क्या लिखते हैं, यू वॉज फेथफुली। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो टर्म्स या नोटेशन यूज होते हैं उसके हमें ये मैच करना है। देन बॉडी लैंग्वेज, तो ऑप्शंस देखिए, बॉडी लैंग्वेज इज बेसिकली पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए से मैच होना है। देन सल्यूटेशन, सल्यूटेशन मींस ग्रीटिंग टू द रीडर। ओके, डियर सर, डियर मैडम, ऐसे हम ग्रीटिंग करते हैं ना, तो वो पार्ट इसे हम सल्यूटेशंस कहते हैं बिजनेस, तो ग्रीटिंग टू द लेटर। देन इनकोडिंग, इनकोडिंग ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे ई ऑप्शन इसका आंसर है। देन एटिकेट्स,
इंडिकेट्स देखिए, लॉजिकली आप इसका आंसर लग सकते कि रूल ऑफ बिहेवियर। तो हम बोलते हैं ना कुछ मैनर्स एंड इटिकेट्स है कि नहीं, ऐसे वर्ड्स। तो बेसिकली जो रूल्स ऑफ बिहेवियर है उसे हम इटिकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग्स में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में यूज फुली बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन सल्यूटेशन, ग्रीटिंग टू द रीडर ऑफ लीडर, देन इनकोडिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इटिकेट्स आर बेसिकली रूल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है, और आपको कोई भी 2 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने। देखिए अभी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, मतलब 54 क्वेश्चन है उसमें से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रिटर्न कम्युनिकेशन, तो आपको रिटर्न कम्युनिकेशन पे शॉर्ट नोट लिखनी है। देखिए जब भी आप शॉर्ट नोट लिखेंगे, देखिए जो भी क्वेश्चन है लाइक ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इस तरह से पहले उसका मीनिंग लिखना है, देन उसके कुछ फीचर्स लिखिए, कुछ एडवांटेज लिखिए। ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट्स तो आएंगे आएंगे, शॉर्ट नोट में ज्यादा कुछ लिख नहीं लिखना, रिटर्न कम्युनिकेशन है, अभी रिटर्न कम्युनिकेशन का मीनिंग लिखिए, व्हेन कम्युनिकेशन इज इन द रिटर्न फॉर्म इट इज नोन एज रिटर्न कम्युनिकेशन, उसके एग्जाम्पल्स लिखिए, रिटर्न कम्युनिकेशन के लेटर है, ईमेल है, देन होर्डिंग्स, जहां भी रिटर्न में कम्युनिकेशन करते हैं हम, उसे हम रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स लिखिए। अभी इसके फीचर्स लिख सकते हैं आप कि इट इज इन द रिटर्न फॉर्म, इट इज यूज थ्रू दिस मीडियम, लिखने उसके क्या क्या मीडियम, तो हमने डिस्कस किए लेटर है, मेल है, होर्डिंग्स वगैरह, इसके मीडियम्स है। अभी रिटर्न कम्युनिकेशन में वर्ड्स एंड सिम्बॉल्स भी यूज होते हैं, साइन सिम्बॉल्स, ये उसके फीचर्स है। देन उसके एडवांटेजेस क्या होता है, मैसेज क्लियर मैसेज जाता है, जो बताना है वही मैसेज जाता है उसमें, मतलब कुछ गलत मैसेज सेंड करने की, मतलब गलत मैसेज जाने की चांसेस कम है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में क्या है कि इट इज पॉसिबल दैट आपने जो बोला है उससे कुछ अलग ही सुना रहेगा रिसीवर ने, तो वो चांसेस तो वो कम होते। मतलब शॉर्ट नोट के लिए इतने सारे पॉइंट्स काफी है। ओके, मीनिंग लिखना है, उसके मीडियम्स, देन एग्जाम्पल्स, फीचर्स और एडवांटेज, ऐसे लिखो उसमें। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वालिटीज ऑफ बिजनेस लेटर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वालिटीज पे लिखना है इसमें। तो क्वालिटीज में देखिए, बिजनेस लेटर में ब्रीफनेस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए बिजनेस लेटर में, देन इट मस्ट बी अप इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट, इस तरह से उसके क्वालिटीज लिखिए। लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, ओके, एंड वर्ड डिफिकल्ट फ्रेजेस एंड डिफिकल्ट वर्ड शुड बी अवॉइडेड, ऐसे कुछ क्वालिटीज लाइक सिंपल होना चाहिए, लेटर टू द पॉइंट, ब्रीफ, ऐसे उसके क्वालिटीज लिखिए। देन उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। अभी टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम बिजनेस प्रोस्पेक्टिव लिखना है। देखिए इंडिविजुअल पर्सन के लाइफ में भी और बिजनेस में भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हमें टाइम मैनेजमेंट पे जब भी आप शॉर्ट नोट लिखेंगे जस्ट टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस हाईलाइट कीजिए, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। ये क्वेश्चन लाइक जनरल क्वेश्चन है, इस पे हर पर्सन का आंसर अलग अलग तरह से हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। देन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिज्यूमे, तो रिज्यूमे में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस लेवल पे है और आप इंटरव्यू दे रहे। मतलब देखिए जो फ्रेशर्स है, पास आउट स्टूडेंट्स है, उनके रिज्यूमे में अलग डिटेल्स होंगे, बट जो एक्सपीरियंस पर्सन है लाइक जिसकी जिनके पास 20 ईयर्स का, 30 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और वो किसी दूसरी कंपनी में अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं, रिज्यूमे दे रहे हैं आपको, तो डिटेल्स अलग होते हैं। तो फ्रेशर्स जो है उनके इसमें ठीक है, फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, स्पेशल अचीवमेंट्स, ये जो सारे एलिमेंट्स है इनके बारे में लिखना है आपको रिज्यूमे में। ठीक है, तो इस तरह से आप, आपको देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट में मैक्सिमम 1 पेज इंफॉर्मेशन लिखनी है। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते कि सब मतलब शॉर्ट नोट का रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत हम लिख सकते, तो बहुत ज्यादा लिखते। यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन मार्क्स आपको लिखना है, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको वो अटेम्प्ट करना है और लिखना है। देन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। ओके, बैरियर्स में देखिए बैरियर्स बहुत सारे बैरियर्स है उसमें, सब पॉइंट्स है। ओके, लाइक टेक्निकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, अदर बैरियर्स, ऐसे फिजिकल में फिर सब पॉइंट्स है। ओके, कल्चरल में, लिंग्विस्टिक में, ऐसे एक्सप्लेन करके आप यहाँ पे लिख दीजिए। अभी ये 8 मार्कर क्वेश्चन है,
15 मार्क्स क्वेश्चन होता तो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने होते सारे बैरियर्स, बट अभी 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो जितने भी मेन बैरियर्स है वो भी एक्सप्लेन किए और उनके जो सब पॉइंट है वो उसी में इंक्लूड किए, तो भी आपका ये आंसर अटेम्प्ट होता है। ठीक है, इस तरह से ये बैरियर्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देन एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर आपके सामने, बिजनेस लेटर का लेआउट कैसे होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेटर हेड, मतलब जो कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो लेटर हेड सबसे ऊपर रहती है, देन डेट, ओके, उसके बाद जो पॉइंट्स है लाइक सल्यूट, एड्रेस, पहले एड्रेस आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, रेफरेंस है, उसके बाद सल्यूटेशन, मेन बॉडी ऑफ द लेटर जो लिखना है अपनों, ओपनिंग पैराग्राफ, मेन बॉडी ऑफ द लेटर, देन क्लोजिंग पैराग्राफ, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इस तरह से जो लेआउट है वो एक्सप्लेन करना है आपको। आपका अगर बिजनेस लेटर की आपने प्रैक्टिस की रहेगी तो वही पॉइंट जो जो लिखते हैं हम टाइटल, मतलब जो लेटर हेड है वहां से जहां तक हम क्लोज करते लेटर, अभी इसमें देखिए इनक्लोजर का भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इनक्लोजर अगर आप कुछ अटैच कर रहे हैं, देन पोस्टस्क्रिप्ट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले दे रहे हैं, इस तरह से ये सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड। अगेन ये क्वेश्चन 7 मार्क के लिए, तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए लाइक लेटर हेड जहाँ पे कंपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कंपनी का नाम, एड्रेस, उसके डिटेल्स है वो, उसके बाद डेट, एड्रेस जिसे भी हम भेज रहे हैं ना टू एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट है, रेफरेंस है, ओपनिंग सल्यूटेशंस है, देन ओपनिंग पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ऐसे आप इसमें पॉइंट इंक्लूड करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स का मीनिंग क्या है, देखिए सॉफ्ट स्किल्स आर बेसिकली एडिशनल स्किल्स, दे आर द क्वालिटीज इन द पर्सन। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल में डिफरेंस क्या है, देखिए हार्ड स्किल मीन्स आप अगर एक स्पेसिफिक कुछ डिग्री लेते हैं तो उसे हम हार्ड स्किल कहते हैं। सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन स्किल है, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स, ये जो सारे स्किल्स है इसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं उसको। देन लास्ट क्वेश्चन है राइट अ जॉब एप्लीकेशन लेटर। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर कॉमन है, हर क्वेश्चन में आता है, और जॉब एप्लीकेशन लेटर में आपको आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं 7 मार्क के लिए। देखिए जॉब एप्लीकेशन लेटर में क्या लिखना है कि पहले तो ये जॉब जॉब एप्लीकेशन लेटर सॉलिसिटेड है या अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट आई है, इन रिस्पॉन्स टू दैट एडवर्टाइजमेंट अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो उसे हम सॉलिसिटेड कहते हैं। तो वहां उसमें क्या होगा, आप किस कंपनी को लिख रहे हैं वो क्लियर होगा वहां पे, और जो सब्जेक्ट है, रेफरेंस है, वो सारी चीजें आप लिख पाएंगे। देन मोस्टली हर जॉब एप्लीकेशन लेटर में कौन सी पोस्ट है उस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन वो इनवाइट कर रहे हैं वो दिया रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अभी यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस है, जो भी रिक्वायर्ड एडिशनल स्किल्स है, उनके बारे में मेंशन करना है आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर में। ठीक है, अगेन जॉब एप्लीकेशन लेटर में वही टू किसे लिख रहे हैं अभी इस केस में, टू दी थर्मैक्स लिमिटेड, MIDC चिंचवड़ पुणे, ये गया पुणे 19। ओके, अभी ये टू इसे किससे लिख रहे हैं, तो डायरेक्टली हम कंपनी का नाम नहीं, उसको पहले मैनेजर लिखिए, टू द मैनेजर थर्मैक्स लिमिटेड, MIDC चिंचवड़ पुणे 19। ओके, ये कुछ सिंपल मतलब कॉमन चीजें है, आप अकॉर्डिंग लिखे। उसके बाद डियर सर मैडम लिखना है, देन या रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखिए, कैसे भी देखिए, अभी डियर भी लिख सकते हैं आप या रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। उसके बाद ओपनिंग जो भी पैराग्राफ है आपका वो आएगा, मेन पैराग्राफ, देन क्लोजिंग पैराग्राफ, ऐसे ही लिखना है आपको जॉब एप्लीकेशन में। ठीक है, 7 मार्क के लिए यहाँ चांसेस है कि आपके, और जॉब एप्लीकेशन लेटर के साथ आप इनक्लोज आपका रिज्यूम इनक्लोज करते हैं ना, तो वो भी करना है, इनक्लोजर में लिखिए। ठीक है, तो आई होप जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कुछ आइडिया मिला रहेगा कि किस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर आएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।